स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अब आम आदमी से जुड़ी बेहद जरूरी खबर। देश में पहली बार रेल यात्रियों को रेलवे स्टेशन पर अब यूजर चार्ज भी देना होगा और यह यूजर चार्ज देश के करीब 1000 स्टेशनों पर लगेगा। बेहतर सुविधा के नाम पर पहले से महंगा हो रहा रेल टिकट अब और महंगा हो जाएगा। सवाल यह है कि गरीबों पर सरकार अब और कितना बोझ डालेगी। मुंबई और दिल्ली जैसे देश के सभी बड़े रेलवे स्टेशनों से यात्रा करने वाले लोगों का सफर जल्द ही और महंगा होने वाला है। भारतीय रेलवे ने पहली बार रेल यात्रियों से यूजर चार्ज लेने का फैसला किया है। यात्रियों से यूजर चार्ज लेकर रेलवे स्टेशनों का रीडेवलपमेंट यानी कि पुनर्विकास किया जाएगा। ये चार्ज इसलिए लिया जा रहा है ताकि रेल यात्रियों को स्टेशन पर बेहतर सुविधाएं दी जा सके। फिलहाल देश में छोटे बड़े कुल 7000 स्टेशन है। रेलवे का कहना है कि 10-15% स्टेशनों पर ये चार्ज लगाया जाएगा, यानी कि देश के करीब 1000 स्टेशनों पर ये चार्ज लगेगा। इसका मतलब दिल्ली मुंबई ही नहीं बल्कि देश के ज्यादातर बड़े स्टेशनों पर ये यूजर चार्ज लगेगा। ये यूजर चार्ज कितना होगा इसे लेकर कोई आंकड़ा नहीं दिया गया है, लेकिन कहा गया है कि ये बहुत मामूली होगा। मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ कि यूजर चार्ज का जो एक अमाउंट होगा वो बिल्कुल अफोर्डेबल होगा, लेकिन वो इसलिए जरूरी है कि अगर हमको वर्ल्ड क्लास सुविधा सबको प्रोवाइड करनी है तो उसके लिए वो यूजर चार्ज जरूरी है। भारत में एयरपोर्ट पर यूजर चार्ज वसूला जाता है, लेकिन रेलवे में पहली बार वसूला जाएगा। दुनिया में कई जगह इस तरह का चार्ज पहले से लिया जा रहा है। खास तौर पर यूरोप के कई देशों में अलग अलग मॉडल के तहत रेलवे यूजर चार्ज लिए जाते हैं। यूरोप में ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, डेनमार्क, बेल्जियम, फिनलैंड और नॉर्वे वो देश हैं जहां पर बेहतर सुविधाएं देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चार्ज लिया जाता है। इस तरह से हम नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहे हैं मार्च 24 तक। उस नेटवर्क को एक्सपैंड करने के बाद अगर हमको डिमांड के हिसाब से ट्रेन चलानी है तो हमको स्टेशन पे भी फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। तो जहां पे भी अगले आने वाले 5 सालों में फुटफॉल बढ़ने की उम्मीद है और हमको ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर हैंडल करने की जरूरत पड़ेगी, वहां पे स्टेशन का एक्सपेंशन करेंगे। सवाल ये है कि यूजर चार्ज लगाने के बावजूद क्या भारत में लोगों को यूरोप जैसी सुविधाएं मिल पाएंगी। भारत में रेल गरीबों की सवारी मानी जाती है, ऐसे में रेल टिकट और महंगा होने से उनकी जेब पर और बोझ बढ़ेगा। सवाल ये है कि क्या बिना यूजर चार्ज के लोगों को बेहतर सुविधाएं नहीं दी जा सकती। अगर आप SBI ग्राहक हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। ATM से पैसे निकालने पर हो रहे फ्रॉड को देखते हुए SBI ने एक बड़ा फैसला किया है और वो फैसला क्या है इस रिपोर्ट को देखकर आप समझिए। अब आप SBI ATM से बड़ी रकम निकालने जाएंगे तो ATM आपसे OTP भी मांगेगा। SBI ने बढ़ती धोखाधड़ी के बाद पैसे निकालने के नियमों को सख्त किया है। अब SBI ने OTP बेस्ड ATM कैश विड्रॉल सुविधा को 24 घंटे लागू करने का फैसला किया है। ये सुविधा देश भर के सभी SBI ATM पर आज से लागू हो जाएगी। अब SBI की ATM से 10,000 रुपए या इससे ज्यादा निकालेंगे तो मोबाइल पर एक OTP आएगा जिसे ATM में भरने के बाद ही पैसे निकाल सकेंगे। इसके पहले तक रात में 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ही OTP की जरूरत होती थी। 2019-20 में ATM फ्रॉड के 84,545 केस हुए जिसमें 1,85,000 करोड़ का नुकसान हुआ। OTP यानी वन टाइम पासवर्ड से क्लोनिंग और दूसरे तरीकों से पैसे निकालने पर रोक लग सकेगी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ।